डंकी ने रिलीज के 2 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली ये शाहरुख खान की साल की तीसरी फिल्म है। शाहरुख खान स्टारर और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी ने वर्ल्ड वाइड धूम मचा दी है। फिल्म 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अब 2 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन की माने तो शाहरुख खान की साल की तीसरी फिल्म डंकी ने दुनिया भर में 102 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। मनोबाला विजय बालन ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, दूसरे दिन शुक्रवार को जो सालार पार्ट 1 सीजफायर की रिलीज का दिन था, डंकी ने दुनिया भर में 45 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने गुरुवार को 57 करोड़ की कमाई की थी, जिससे दुनिया भर में इसकी 2 दिन की कमाई 102 करोड़ हो गई। डंकी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठीक परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने पहले दिन करीब 30 करोड़ की कमाई की ओपनिंग की थी। हालांकि दूसरे दिन ही साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार रिलीज हुई, जिसकी वजह से डंकी के बिजनेस पर काफ़ी असर दिखाई दिया। फिल्म ने दूसरे दिन 20 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है। वही अब तीसरे दिन भी फिल्म 20 से 30 करोड़ की कमाई कर सकती है। डंकी को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 4 दोस्तों की कहानी है जो विदेश जाने का ख्वाब देखते हैं। हालांकि उनके पास ना तो पासपोर्ट होता है और ना वीज़ा, ऐसे में वे गुप्त रास्ते से विदेश के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू की केमिस्ट्री दिखाई गई है। इसके अलावा वीके कौशल और बोमन ईरानी भी फिल्म में हिस्सा है।